हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची के वोट बैंक के लिए एमक्यूएम और पीएसपी का जॉइंट अकाउंट खोलने का ऐलान। मुत्तहिदा एक बार फिर हुई मुत्तहिद। फारूक सत्तार कहते हैं आइंदा इलेक्शन एक मंशूर एक नाम और एक निशान पर लड़ेंगे। मंशूर एक नाम और एक निशान को लेकर अपनी मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली भी वजा करें। हम एक मंशूर एक सिंबल इंतखाबी निशान और एक पार्टी के नाम से हम अपनी जिद्दोजहद पाकिस्तान के लोगों के लिए करेंगे। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल ने गिले शिकवों को भुलाया, नाराजगी को दूर भगाया, रंजिशों को मिटाया और एक दूसरे को गले लगाया। सरबरा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार ने मुहाजिर कौमी मूवमेंट समेत दीगर सियासी जमातों से भी इत्तेहाद का इंदिया दे दिया। कहते हैं उम्मीद है अब कारकुनों के लापता होने का मामला रुक जाएगा। इस सिचुएशन पर कि मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है, मेरा दिल सिर्फ तेरी ही मोहब्बत के लिए है और दूसरे शेर में फिर काम होता है बारी, मगर ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। तो ये पेशकश महदूद मुद्दत के लिए नहीं है, मैं आपको इसका यकीन दिलाता हूँ। नई सियासी जमात का नाम एमक्यूएम नहीं होगा क्योंकि एमक्यूएम बानी की थी, है और रहेगी। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल का ऐलान। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। ये जद्दोजहद किसी भी ऐसी आइडेंटिटी के साथ करेंगे जो कि कम से कम एमक्यूएम नहीं होगी। मुस्तफा कमाल बोले शहर में नफरत की सियासत नहीं होने देंगे, मुहाजिरों के लिए मुहाजिरों के नाम पर सियासत नहीं करना चाहिए। एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान की शदीद मुखालिफत, कहा कि मुजाकरात करने वाले साथियों से राबिते में था, यही बात हुई थी कि एमक्यूएम अपने निशान और नाम को नहीं छोड़ेगी। तय हुआ था कि आइंदा इंतखाबात में पतंग के निशान ही पर इलेक्शन लड़ेंगे। कराची प्रेस क्लब में फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनज़मी, कारकुनों की धक्कमपेल, नारेबाजी। शदीद रश, हब्स और घुटन के बाई से पुलिस अहलकार बेहोश हो गया। पीएसपी के साथ पींगे बढ़ाने और एमक्यूएम पाकिस्तान पर इख्तलाफात का शिकार, अमीनुल हक अहम तरीन इजलास से गैर हाजिर, शबीर कायम खानी, सैयद सरदार अहमद और महफूज यार खान समेत 8 अहम अराकीन इजलास छोड़कर चले गए। चंद अहम रहनुमाओं ने भी इत्तेहाद की खुलकर मुखालिफत की। आज न्यूज ने अंदरूनी कहानी बता दी। साबिक गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद ने नई पार्टी की सरबराही संभालने से मुतालिक अफवाहें गलत करार दे दी। कहा कयादत अवाम की ख्वाहिश पर होती है, माइंडसेट बदलना मुश्किल मरहला है। मंजूर वस्तान की पेशगोई पर कहा ख्वाब देखने वाले ने तस्वीर भी देखी होगी। उन्होंने ख्वाब देखा है तो नेचुरली जब उन्होंने पूरा दुबई देख लिया तो बंदा भी देखा होगा, वक्त आने पे बता देंगे। कराची की सियासत में नया ट्विस्ट, आज न्यूज की सबसे पहले खबर देने की रिवायत रही बरकरार। एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी में बढ़ने वाली कुर्बतों की खबर
3 नवंबर ही को दे दी थी। एमक्यूएम का नाम तब्दील किया जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जगह और इसको पाकिस्तान कौमी मूवमेंट का नाम दिया जाए तो वो सरपरस्ती करेंगे और शायद हो सकता है कि इलेक्शन से पहले कोई ऐसा सूरत-ए-हाल पैदा हो। एमक्यूएम के कुछ अरकान उड़ान भरने के लिए तैयार, सेनेटर खुशबख्श शजात, सलमान मुजाहिद बलोच, डॉक्टर फौजिया और अली राशिद की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कराची की सियासत में यकदम उठने वाला तूफान, पस मंजर से पेश मंजर तक और शहर कायद के मुस्तकबिल पर आज न्यूज ने रखा नाजरीन को लम्हा बा लम्हा बा खबर। खुसूसी कवरेज में तज़िया कारों ने खुल कर किया राय का इजहार। ये जज साहबान भुगत से भरे कानून का भुगत, उनका गुस्सा अल्फाज में आ गया है। मैं ये समझता हूँ कि ये सारा भुगत तारीख का स्याह बाब बनेगा। नवाज शरीफ का जब्त टूट गया, अदलिया पर पहली बार शदीद तंकीद, कहा जजेस बुग़्ज़ में भरे बैठे हैं, उनका गुस्सा अल्फाज में ढलकर सामने आ गया। इल्म था कि नजरसानी अपील पर यही फैसला आएगा, जजेस के अल्फाज तारीख का स्याह बाब बनेंगे। 70 साल तारीख में अदलिया ने कई स्याह और आप लिखे। नवाज शरीफ की मुश्किलात कम नहीं हुई, एहतसाब अदालत का तीनों रेफरेंसेस यकजा करने से इनकार, दरखास्त मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कटहरे में बुलाकर अलग अलग फर्दे जुर्म आयद, नवाज शरीफ का सेहत जुर्म से इनकार, समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। मरियम नवाज को नैब कोर्ट से पहला रिलीफ मिल गया, लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत से मुतालिक ट्रस्ट डीड के कैलबरी फंड को फर्दे जुर्म का हिस्सा न बनाने की दरखास्त मंजूर कर ली। फर्दे जुर्म से मरियम और कैप्टन सफदर के खिलाफ जालसाजी की दफा हटाने का हुक्म। अदालती फैसला बुग्ज़, अनाद, गुस्सा और इश्तियाल की अफसोसनाक मिसाल है। सवाल रहबरी का नहीं, मुनसफी का है। पैनामा नजरसानी दरखास्त के तफसीली फैसले पर नून लीग का सख्त रद्देअमल। नवाज शरीफ को मुल्क नहीं अपनी दौलत प्यारी है, इख्तदार में आकर महलात खरीदे, पैसा बाहर ले जाने की तफसीलात नहीं दी, अवाम और सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला। इमरान खान ने एक बार फिर नवाज शरीफ को निशाने पर रखा। सिर्फ सियासत में आए जाती मफादात के लिए, पर पहले इख्तदार में आए, फिर कॉन्ट्रैक्ट लिए, फिर पैसा बनाया, पैसा जेब में डाला। इस मुल्क की तबाही असल में शुरू हुई 85 के बाद। कप्तान का हुदैबिया पेपर मिल्स केस और मॉडल टाउन केस दोबारा खोलने का मुतालबा। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म अदालत में झूठे हलफनामे नहीं देने चाहिए थे, नवाज शरीफ ने आवाम को धोखा दिया। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का वार, कहा अदालत के शेर में सारा निचोड़ मौजूद है। तफसील दे दी है और जो चीजें शायद पहले नहीं थी वो भी इसमें डाल दी है। जो शहर पड़ा है उसमें तो उसने सारे निचोड़ उसमें दे दी है। मुखालिफीन हम पर तनकीद से पहले अपने गिरेबान में झांकें, माजी के हुक्मरानों की लूट मार की दास्तानें अब भी आवाम के जहनों में ताजा है। शहबाज शरीफ का तुर्की बतुर्की जवाब। आइन के साथ ज्यादा खिलवाड़ सुप्रीम कोर्ट ने किया, मखदूम जावेद हाशमी कहते हैं मुश्किल में नवाज शरीफ का साथ कभी नहीं छोड़ा, अब भी मुल्क और आइन के लिए नवाज शरीफ का साथ निभाने बिन बुलाए चले जाएंगे, कहा इमरान खान के बचने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। पैनामा केस में सवाल मनी ट्रेल का था, जहांगीर तरीन नाहली केस में चीफ जस्टिस की रिमार्क्स, कहा कि अदालत के पास सवाल ये है कि पैसा कहां से आया। पैनामा केस में भी सवाल यही था, फैसला पहले से सोच कर नहीं रखा, जल्दी गुजारिशात आएंगी तो फैसला लिखने में आसानी होगी। इसहाक डार कम अज कम एक बार खुद एहतसाब अदालत में पेश हो, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स, इसहाक डार की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। इसहाक डार के वकील ने बताया कि डॉक्टर ने उनके मौक्किल को सफर की इजाजत नहीं दी। नई हलका बंदियों पर पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में डेडलॉक बरकरार,
अयाज सादिक ने कहा कि पीपल्स पार्टी साथ न दे तो सेनेट से आईन में तरमीम का बिल पास नहीं हो सकता। इजलास में शेख रशीद और महमूद खान अचकजई में तल्ख कलामी। इजलास के बाद अयाज सादिक ने नवाज शरीफ गंजबख्श फैज आलम मजहर नूर खुदा हजरत अली हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 974वें उर्स की तकरीबात मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत नजर न्याज का खुसूसी एहतमाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर और कराची की सियासत में एक ड्रामाई मोड़ आया है। एमक्यूएम और पीएसपी में कुर्बतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इन्हीं कुर्बतों के बारे में आज न्यूज ने 3 नवंबर को बहुत पहले ही से बता दिया था। कराची की सियासत में ड्रामाई मोड़, एमक्यूएम और पीएसपी में कुर्बतें। आज न्यूज ने 3 नवंबर को ही बता दिया था। इलेक्शन से पहले कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो कि ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये आपस में एक हो जाए। आज न्यूज अहम खबर देने में आज भी अव्वल। बिल्कुल, आज न्यूज ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, 3 नवंबर ही को आपको बता दिया था कि शहर कायद में बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये सब होने जा रहा है और शहर कायद की पल पल बदलती सियासत से जहां आज सियासी फजा में नया मोड़, कल तक एक दूसरे पर इल्जामात लगाने वालों ने आज मिलकर चलने का फैसला कर लिया है। लेकिन नाज़रीन, इस इत्तेहाद में आगाज से ही दरार पड़ती दिखाई दे रही है क्योंकि मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे कर दिया है कि अब जिद्दोजहद एमक्यूएम के नाम से नहीं होगी क्योंकि एमक्यूएम बानी की थी, है और उन्हीं की रहेगी। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने दो टोक ऐलान कर दिया कि एमक्यूएम कायम है और कायम रहेगी। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें मुस्तफा कमाल ने यह कहा कि एमक्यूएम के नाम से आगे इलेक्शन में जिद्दोजहद नहीं कर सकते, आगे किसी नए नाम और नए मंशूर के साथ जाएंगे चूंकि एमक्यूएम बानी की थी, है और रहेगी। अल्ताफ हुसैन साहब की थी, है और रहेगी। तो डेफिनेटली हम जब ये जद्दोजहद करेंगे तो फारूक भाई हो सकता है कि पीएसपी को ना माने, तो हम ये जद्दोजहद किसी भी ऐसी आइडेंटिटी के साथ करेंगे जो कि कम से कम एमक्यूएम नहीं होगी। एक मंशूर, एक नाम और एक निशान की बात हुई है। एमक्यूएम ये सियासी इत्तेहाद की बात हुई है। एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी जगह पर कायम है, एमक्यूएम पाकिस्तान खत्म नहीं हो रही। और नाज़रीन, कराची की सियासी तारीख की सहम मुश्तरिका प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात करने के लिए सदनों ने राबिता किया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ कराची के मौजूद हैं रफत सईद साहब। रफत साहब, एक अहम सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये उठता है, जैसा कि फारूक सत्तार ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान ही रहेगी, और पीएसपी मुस्तफा कमाल ने कहा पीएसपी ही रहेगी, लेकिन एक नया नाम सामने आएगा, तो क्या ये सब सिर्फ इंतखाबात के लिए, बाद में इंतखाबात के दोनों जो जमातें हैं ये फिर अलग अलग हो जाएंगी, है क्या सिचुएशन, समझ में नहीं आ रही कुछ रफत साहब? देखिए, सूरत हाल अब भी वाजे नहीं है। आपने नोट किया होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर फारूक सत्तार ने माइक हाथ में लेकर ये कहा कि एमक्यूएम जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से ही काम करेगी और पीएसपी पीएसपी रहेगी। वो के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में दोनों रहनुमाओं ने बात कही थी, जब मुस्तफा कमाल ने कहा था कि अब ये एमक्यूएम के नाम से काम नहीं होगा, वो अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम है, एक निशान भी हम दोनों का एक होगा, हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, सारे काम एक साथ करेंगे। लेकिन आखिर में बहुत वाजे हो गया कि इख्तलाफ अब भी मौजूद है, इबाम अब भी मौजूद है, सूरत हाल वाजे नहीं है। मजबूरी के तहत दोनों साथ बैठे हैं और ये मजबूरी दोनों के चेहरों से बड़े वाजे तौर से आया थी। गो के मुस्तफा कमाल बहुत खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको बजाय ये कामयाबी मिली है कि डॉक्टर फारूक सत्तार उनके साथ शामिल हुए हैं, चाहे नया नाम हो। जी
लेकिन रफा साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरी तौर पर एमक्यूएम को झटके लगना भी शुरू हो गए हैं। अली रजा अब्दी का इस्तीफा सामने आया, कुछ एमक्यूएम के अरकान ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है, तो हालात इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे एमक्यूएम को। ठीक है, अभी तो और झटके आएंगे। अली रजा आब्दी ने तो ट्वीट कर दिया, उन्होंने अपना मैसेज भी दे दिया और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन इससे पहले एक रोज का भी जो सूरत हाल थी जो बहुत ज्यादा नुमाया नहीं हुई अखबार में, कि आसिफ अली जरदारी जो है उनसे मुलाकातें की हैं अरकान असेंबली ने, और बहुत सारे दीगर रहनुमा जो है मुख्तलिफ पार्टियों से रवाबित में है, कुछ के रास्ते तहरीक इंसाफ से भी हो रहे हैं, इस तरह आएंगे और बहुत सारे झटके लग सकते हैं और बहुत सारे लोग अलहदा भी हो सकते हैं और कुछ लोग पार्टी या सियासत से भी अलहदा हो सकते हैं। अच्छा, बड़े झटके लग सकते हैं जमात को। रफत सईद, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना तजिया हमसे शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आज इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जैसा कि हम आपको आगाह कर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी की क़यादत की जानिब से दोनों जमातों ने आपस में इत्तेहाद पर फैसला किया और फिर इसी फैसले से आगाह किया गया आवाम को। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोनों रहनुमाओं ने इस बात का इंकशाफ किया कि जो रबते हैं ये पिछले 6 महीने से चल रहे थे, और ये इंकशाफ आज न्यूज़ आज से बहुत दिन पहले यानी 3 नवंबर को कर चुका है कि इन दोनों जमातों के दरमियान राबते हैं और बहुत जल्द इनका इल्हाक जो है, इत्तेहाद जो है वो सामने आ सकता है। और ये तमाम बातें नबील गवोल ने आज न्यूज के प्रोग्राम में कही थी। एमक्यूएम और पीएसपी के इत्तेहाद पर पीपल्स पार्टी का रद्द अमल भी अब सामने आ गया है। सईद गनी ने ट्वीट किया है कि फारूक सत्तार ने मुश्किल से निकलने के लिए नवाज शरीफ को पीएसपी में शामिल होने का मशवरा दिया, लेकिन वो खुद ही इसमें शामिल हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया है। और सईद गनी ने एक ट्वीट किया, और दिलचस्प ट्वीट है ये, चूंकि फारूक सत्तार नवाज शरीफ को पीएसपी में शमूलियत का मशवरा दे चुके थे, तो सईद गनी ने कहा कि फारूक सत्तार तो खुद ही पीएसपी में शामिल हो गए और मशवरा वो नवाज शरीफ को दे रहे थे कि मुश्किल से निकलने के लिए पीएसपी को ज्वाइन कर लिया जाए। फारूक सत्तार खुद पीएसपी में शामिल हो गए हैं। सईद गनी का ट्वीट सामने आया है इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद। उन्होंने कहा है कि फारूक सत्तार ने नवाज शरीफ को यह मशवरा दिया था कि वो पीएसपी में शामिल हो जाएं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि फारूक सत्तार खुद पीएसपी में शामिल हो गए हैं, और ये ट्वीट किया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा सईद गनी की जानिब से। एमक्यूएम और पाक सरजमीन पार्टी के इत्तेहाद के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। एमक्यूएम के रुकने कौमी असेंबली अली रजा आब्दी ने इत्तेहाद पर पार्टी और कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि करबला की मुकद्दस जमीन से एमक्यूएम से मुस्ताफी हो रहा हूं। बिल्कुल, अली रजा आब्दी ने अपने तहफुजात का इजहार भी किया है। उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम के मैं रुकन हूं, लेकिन अब मैं इस बात से मुस्ताफी हो रहा हूं, कौमी असेंबली की रुकनियत से भी मुस्ताफी हो रहा हूं और पार्टी से भी मुस्ताफी हो रहा हूं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये पैगाम जारी किया है। वो इस वक्त करबला में मौजूद हैं और उनके पैगाम में उन्होंने कहा कि करबला की मुकद्दस जमीन से एमक्यूएम से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। ये वो आफ्टर शॉक्स हैं जो आ रहे हैं इस अहम मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये पहला बड़ा झटका है और अब देखना यह है कि इस पर ये दोनों जमातें किस तरह से रिएक्ट करती हैं। लेकिन अभी जो रिएक्शन सामने आ रहा है वो कारकुनान की जानिब से आ रहा है। दावा ये किया गया है और अपील ये की गई है एमक्यूएम की जानिब से, पीएसपी की जानिब से, कि कारकुनान जो है वो तहम्मुल का मुजाहरा करें और हमारे साथ ताउन करें और आपस में झगड़े नहीं, उलझे नहीं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस अपील के बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं, बल्कि पार्टी लीडरान में से ही ऐसे लोग हैं, जैसे कि सैयद अली रजा आब्दी एक बड़ा नाम है, उन्होंने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने ये ऐलान किया है अपने ट्विटर पैगाम के अंदर। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि आमिर खान भी एक बड़ा नाम है इस सियासी पार्टी का, उन्होंने भी अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि दोनों जमातों के दरमियान मुसलसल राबते जारी थे, बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू शनीद हो रही थी, लेकिन ये वो बातचीत नहीं है जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने जा रही है। इत्तेहाद की, इल्हाक की, या एक नाम पर, एक मंशूर पर, एक निशान पर लड़ने की कोई बात नहीं हुई थी और उन्होंने भी शदीद तरीन तहफुजात का इजहार किया है। और पहला झटका एमक्यूएम पाकिस्तान को अली रजा आब्दी की सूरत में लगा, जो कि NA 251 से MNA थे एमक्यूएम के, और अब उन्होंने कहा कि मैं करबला की मुकद्दस जमीन से ही एमक्यूएम से मुस्ताफी होने का ऐलान करता हूं। इसके अलावा भी एमक्यूएम के कई रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मिले हैं, और इस तरह से जो आज तमाम तरह डेवलपमेंट पूरा दिन होती रही, उसके बाद अब एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त कुछ मुश्किलात में ज़रूर दिखाई देती है, चूँकि पहले से ही इख्तलाफात और धड़ेबंदी की खबरें एमक्यूएम के अंदर से सामने आ रही थीं। आज इल्हाक तो उन्होंने पीएसपी से किया, लेकिन उनके अपने लोग अब पार्टी छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी का इस्तीफा एन उस वक्त सामने आया जब फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्तितामी
लम्हात में अली रजा आबदी ने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि करबला की मुकद्दस जमीन से मैं अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज आपने कराची प्रेस क्लब के अंदर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को एक दूसरे को भाई कहते देखा, एक दूसरे की तारीफ़ करते सुना, लेकिन आपको बताएं कि माजी में डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल एक दूसरे के खिलाफ संगीन इल्ज़ाम आयद करते रहे हैं। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के बारे में कब क्या कहा आपको दिखाते हैं। ये जो फारूक सत्तार जो ये कैमोफ्लाज कर रहे हैं, ये आई वॉश कर रहे हैं, हुकूमत की किसी भी ना अहली के ऊपर क्या आवाज लगा सकते हैं? मुझे सोच के बताओ पाकिस्तानियों। सबसे बड़ा नुकसान महाजरों को पीएसपी की वजह से होगा। फारूक सत्तार साहब, आप में और अल्ताफ हुसैन और आपकी कंपनी में कोई फर्क नहीं है। सेनेट में हमारी नुमाइंदगी को खत्म करने में आलाए कार बन रही है। इतने बड़े लीडर होते तो अपनी पार्टी को अभी जुमा 8 तो दिन हुए हैं, संभाला तो जा नहीं रहा। हमने ये वादा किया था MQM को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। हमने इस MQM को दफन करना है। ये 22 अगस्त को दफन हो गए थे। ये PSP को इस्तेमाल किया जा रहा है और PSP मैंडेट को तकसीम कर रही है। फारूक सत्तार को तो टिकट भी नहीं मिल रहा था, पार्टी कब्जा कर लिया, हमें बोलते हैं इस्तीफा देने के। अभी खेल जारी है, अभी अंजाम बाकी है। तमाशा तुमने देखा था, तमाशा हम भी देखेंगे। आप दफन हो, जिससे आप डस्टबिन में जाएं, हम वो काम करेंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार ऑफ MQM पाकिस्तान एंड मुस्तफा कमाल ऑफ PSP। और कराची की सियासत में तब्दीली की फजा इस्लामाबाद तक जा पहुंची है। MQM के 4 अरकीन असेंबली और सेनेट ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और शायद अब ये अरकीन जल्द ही पीपल्स पार्टी को भी प्यारे हो जाएंगे। अभी हमने आपको आगाह किया था कि अली रजा आबदी मुस्ताफी हो चुके हैं और कुछ ऐसी ही सूरत हाल पैदा हो सकती है मजीद भी, क्योंकि MQM के 4 अरकीन असेंबली और सेनेट ऐसे हैं जिन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये अरकीन जल्द ही पीपल्स पार्टी को प्यारे हो जाएंगे। डॉक्टर फौजिया, खुशबख्श शुजात, सलमान मुजाहिद बलोच ने मुलाकात की है आसिफ अली जरदारी के साथ और इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है ये तो कुछ वक्त के बाद ही सामने आ सकेगा, लेकिन एक ऐसे मौके पर जब MQM और PSP का इलाक होने जा रहा था ये मुलाकातें बड़ी अहम हो सकती हैं, चूंकि सलमान मुजाहिद बलोच को चंद रोज कबल पार्टी से निकाला गया और खुशबख्श शुजात के बारे में भी जब से कामरान टिसोरी को शामिल किया गया था MQM में उस वक्त से कहा जा रहा था कि वो इनको लेकर आई हैं, लेकिन वो क्लेरिफिकेशन दे चुकी हैं कि उनके जरिए कामरान टिसोरी इस पार्टी का हिस्सा नहीं बने। कुछ रहनुमाओं ने मुलाकातें कर ली हैं और कुछ ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर आमिर खान ने पाक से जमीन और MQM के इत्तेहाद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जो मैंडेट साथियों को दिया था वो इस फैसले से बहुत मुख्तलिफ था। उनका कहना था कि उम्रा अदायगी के बाद कल वतन वापस पहुंच रहे हैं और इसके बाद सूरत हाल का जायजा लेंगे। डिप्टी कन्वीनर MQM आमिर खान अपनी पार्टी के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं। उन्होंने इत्तेहाद के फैसले पर शदीद तनकीद की और कहा कि सूरत हाल तशवीशनाक है। साथियों को दिया गया मैंडेट होने वाले फैसले से मुख्तलिफ था। ये तय पाया था कि MQM अपने नाम और अपने निशान से इलेक्शन लड़ेगी और अपना तशख्स हर सूरत बरकरार रखेगी। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर सोशल मीडिया पर तबसरा किया और कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।